कांस में सबको ऐश्वर्या राय बच्चन के आने का इंतजार रहता है और अब वो इंतजार लगभग खत्म ही है। ऐश्वर्या अपनी बेटी आराध्या के साथ एयरपोर्ट पर स्पॉट हुई हैं और कहा जा रहा है कि वो कांस के लिए रवाना हुई हैं। लेकिन इस दौरान ऐश्वर्या का हाथ चोटिल दिखा। अब कांस में वो चोटिल हाथ के साथ ही एंट्री लेंगी, ये देखना है। अब तक ऐश्वर्या अपनी लुक्स से खूब लाइमलाइट बटोरती आई हैं। हालांकि कई बार वो अपनी लुक्स को लेकर ट्रोल भी हुई हैं। पिछले साल उन्होंने जो गाउन पहना था उसे लेकर तो कई मीम्स भी बन गए थे। दरअसल उस ब्लैक सिल्वर गाउन पर बड़ी सी हुडी लगी थी और बड़ी सी हुडी को ही लोगों ने ट्रोल किया है। किसी ने उन्हें चपाती रैप कहा तो किसी ने फॉइल पेपर। एक यूजर ने तो उन्हें गिफ्ट रैप समोसा कह दिया था। वैसे ये कोई पहली बार नहीं जब ऐश्वर्या को ट्रोल किया गया हो। इससे पहले साल 2019 में ऐश्वर्या ने व्हाइट कलर की ड्रेस पहनी थी जिस पर उन्होंने व्हाइट फेदर कैप जैकेट पहनी थी। इस रफल लेस गाउन के साथ जो फेदर लगी थी उसे देखकर यूजर्स ने उन्हें मुर्गी का टैग दे दिया। साल 2019 में ऐश्वर्या ने एक स्नेक प्रिंटेड मेटेलिक ड्रेस पहनी थी जो ऑफ शोल्डर भी थी और साथ में लंबी ट्रेल भी लगी थी। लेकिन लोगों ने ऐश्वर्या के कान नोटिस कर लिए। कानों में गहनों के बजाय ऐश्वर्या ने गोल्डन सिल्वर मेकअप किया था जो फैंस को खासा पसंद नहीं आया था। उनकी लुक को अजगर की लुक से कंपेयर किया गया। ऐश्वर्या बच्चन ड्रेस के साथ कांस में मेकअप एक्सपेरिमेंट करती भी नजर आ चुकी है। अपनी सिग्नेचर स्टाइल रेड लिपस्टिक छोड़ एक बार ऐश्वर्या ने पर्पल लेवेंडर कलर की लिपस्टिक लगाई थी जो उन्होंने फ्लोरल ऑफ शोल्डर गाउन के साथ मैच की थी। वैसे इस लुक के लिए ऐश्वर्या को नेटिजंस के मिक्स रिएक्शन मिले थे। कुछ यूजर्स ने कहा कि ऐश्वर्या होठों पर एशियन पेंट करवा कर आई है। ऐश्वर्या ने साल 2022 में इंडियन डिजाइनर गौरव गुप्ता का लेवेंडर कलर का ड्रामेटिक गाउन पहना था। इस लुक में लोगों ने कहा था कि ऐश्वर्या सिर पर छतरी लगाकर आई हैं। आपको इन पांचों में कौन सा लुक बेहतर लगा और कौन सा बेकार लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो, फेसबुक को लाइक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।